आगरा से बड़ी खबर मिल रही है, जहां दलित महिला के बलात्कार का आरोप लगा है दो युवकों पर। दरअसल घर में घुसकर बलात्कार करने का आरोप है। पुलिस ने एक आरोप जीतू पर 354 SC/ST एक्ट में मुकदमा दर्ज कर जेल भेजा है। वहीं पीड़ित महिला का आरोप है कि दूसरे युवक टीटू पर राजनीति से जुड़े होने पर पुलिस ने कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया है। पीड़ित का आरोप है कि घटना को अंजाम देकर टीटू मौके से फरार हो गया था। वहीं आरोपी जीतू को मौके पर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आरोपी जीतू को मौके से पकड़ने का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। पीड़ित महिला का आरोप है कि मुकदमे में समझौता न करने पर टीटू तोमर शैलू जाधव दे रहे हैं जान से मारने की धमकी। वहीं पीड़ित महिला ने आगरा कमिश्नर से न्याय की गुहार लगाई है। थाना डौकी क्षेत्र के गाँव कवीस में हुई थी घटना। बरौली गुजर के रहने वाले दो व्यक्ति मेरे घर में घुस आए थे। एक का नाम जीतू था और एक का नाम टीटू तोमर। और ये दोनों घुस आए थे, अंदर से कुंडी लगा रही थी, एक ने मेरा मुंह दबा लिया था। और इन दोनों में बातचीत होने लगी, पहले तू कर। और एक टीटू नाम का बाहर निकल गया था, दरवाजे पर ठहरा हुआ था, और जीतू था वो अंदर रह गया। उसने मेरे साथ बलात्कार किया था और काफ़ी लोग जुड़े थे, तो आवाज़ सुनकर लोग आ गए थे। टीटू नाम का था, वो भाग गया था और जीतू को पकड़ लिया था। मेरे पति को जिम से बुलाकर, और मेरे पति ने आकर कॉल की 112 पे, और थाने ले गए थे दोनों लोगों को, और दोनों को बंद कर दिया था और मुझे अगर बंद कर दिया था। और थाने में बताने क्या लिखा था, और हमसे बस साइन करवा लिए थे। जो मैंने बोला था वो लिखा ही नहीं था उन्होंने। कोई नहीं किया। गिरफ्तार किया गया है और एक जेल गया है, और ये कभी यहाँ पे घूम रहा है, मारने की धमकी दे रहा। मेरे मायके भी गए थे, मेरे पापा को धमकाया था, मेरी मम्मी पापा को, और बोल रहे थे अपने दामाद को हटा लो नहीं तो हम दोनों को मार देंगे, गोली मारने की धमकी दे रहे हैं, किसी झूठे मुकदमे में फंसा देंगे। क्या नाम है? मेरा नाम उमेश है। उमेश जी, क्या घटना हुई आपकी पत्नी के साथ? ये मेरी पत्नी के साथ अपना बलात्कार हुआ है। मैं सुबह जिम में जाता हूँ, तो करीबन 15 तारीख की घटना है। जैसे मेरी बरौली के रहने वाले दो व्यक्ति हैं, एक का नाम जीतू, एक का नाम टीटू है। दोनों मेरे घर में घुसे और मेरी पत्नी के साथ उन्होंने बलात्कार किया है। तो उसमें से मतलब बलात्कार करने के बाद, जैसे एक तो भाग गया है वहाँ से, और मोहल्ला पड़ोसा वाले ने जीतू को मौके पर ही पकड़ लिया है। पकड़ने के बाद मेरे पे जिम में फ़ोन किया था, और फ़ोन करने के जैसे फोन गया, मैं वहाँ से आया, तो मैंने बैठे को उसको देखा, और मेरी बीवी भी घर पर ही थी, जैसे पकड़ लिया। तो मैंने 112 पे कॉल की। कॉल करने के बाद 112 के मौके पर पुलिस आई, पुलिस आके हम दोनों को थाने ले गई। थाने ले जाकर मुझे जब हवालात में बंद कर दिया, और उसे तो मतलब फ्लाई रखता, तो वहाँ हमारी कोई सुनवाई हुई नहीं थी। उसके बाद बड़ी मुश्किल से हमने ऊपर जाके कार्रवाई करके इसके 164 के जान करवाए, इसके इसमें दोनों के नाम आए हुए। और 164 के बयान आने के बाद मुझ पर बहुत ज़्यादा प्रेशर डाला गया कि राजीनामा कर ले, तो मैंने राजीनामा का मना कर दिया। तो वो लोग मुझे जान से मारने की धमकी देने लगे। तो कौन सी धमकी दे रहे थे? एक तो टीटू तोमर है, और उसका जीजा है, सगा जीजा शैलू जाधव, ये भाजपा से जुड़े हुए हैं, बहुत दबल लोग हैं, इनके खिलाफ कोई भी जाता नहीं है। और जो जाता है ये उससे मतलब जान से मारने को या कुछ भी मतलब दुर्घटना कर देते हैं। FIR में नाम लिखा है उनका 164 में, और मुझ पर तो मतलब बहुत सारी मारने की धमकियाँ दी गई हैं। मेरे ससुराल भी गए थे ये लोग। टीटू पर कोई कार्रवाई हमने तो किया, मेरे पुलिस उसके वो कोई एक्शन नहीं ले रही है, प्रशासन उसका कोई एक्शन नहीं ले रहा है, क्योंकि वो दबंग है। इसी वजह से हमारे हम मिले थे, जैसे डॉक्टर प्रवीण सिंह कमिश्नर साहब हैं, सी पी साहब, उनसे ही मिले थे, और
इसलिए कमिश्नर केशव कुमार चौधरी जी हैं, उनसे भी मिले थे। क्या चाहते हैं? हम तो बस यही चाहते हैं कि हमको इसमें न्याय मिलना चाहिए। और